एवरीवन स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर 6, 7, 8 का बुक वर्क का रिवीजन भेज दिया गया था। आज मैं आपको चैप्टर 4 और 5 का रिवीजन वर्क भेजूंगी। तो आपको बच्चों ध्यान से तैयार करना है, सुनना है, देखना है और समझना है। तो देखते हैं हम इसमें। नंबर 1 पे आइए बच्चों ज़रा। नंबर 1 है आपका इसमें देखेंगे। नंबर 1, ऑल लिविंग थिंग्स, सभी लिविंग थिंग्स। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ग्रो, डू नॉट ग्रो, रिमेन द सेम। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो बड़े होते हैं या बड़े नहीं होते हैं या फिर एक से रहते हैं। बच्चों लिविंग थिंग्स आपने चैप्टर में पढ़ा कि बड़े भी होते हैं, मूव भी करते हैं, है ना, और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर भी जा सकते हैं, ब्रीथिंग भी करते हैं। तो यहाँ पर ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। नेक्स्ट है बच्चों अब आपका नंबर 2, द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ ए फैमिली इज। फैमिली का जो सबसे एल्डेस्ट बोलते हैं बड़े मेंबर को, बड़ा मेंबर कौन होता है, चाइल्ड, ग्रैंडफादर या फादर। इसमें आप देख रहे हैं कि ना तो बच्चा बड़ा होता है फैमिली में, ना ही ग्रैंडफादर, एक ग्रैंडफादर है इसमें और एक फादर, ना ही फादर बड़े होते हैं और फादर से बड़े क्या ऑप्शन है यहाँ पर, ग्रैंडफादर मींस दादाजी बड़े होते हैं। नंबर 3 है बच्चों इसमें, द थिंग आई वॉन्टेड एज ए बेबी इज़। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इसमें 3 ऑप्शन है, ए बुक, ए बैट, ए मिल्क बॉटल। बुक की नीड होती है, बैट की नीड होती है या फिर हम क्या चीज़ चाहते हैं, ए मिल्क बॉटल। तो इसमें हम मिल्क बॉटल, दूध की बोतल की ज़रूरत होती है। तो ये बच्चों मैंने आपको ए एक्सरसाइज बताई। अब जरा हम एक्सरसाइज नंबर बी को देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। देखिए यहाँ पर 2 ग्रुप्स आपको दे रखे हैं, नंबर 1 और नंबर 2। पहले में देखेंगे आप सीड, सीडलिंग, नेस्लिंग और प्लांट। देखिए सीड मतलब होता है बीज, सीडलिंग होती है जब वो बीज से थोड़ा बड़ा हो जाता है ना, और प्लांट होता है पौधा बन जाता है। लेकिन नेस्लिंग यहाँ पर बिल्कुल अलग है, क्योंकि नेस्लिंग का मतलब होता है स्मॉल बेबी बर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए हमने नेस्लिंग को सर्किल कर दिया। नंबर 2 है बेबी, चाइल्ड, एडल्ट और अंकल। आप देख रहे हैं बच्चों ये एज की वो दी हुई हैं आपको अवस्थाएँ, कि सबसे पहले बच्चा होता है, फिर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर एडल्ट बन जाता है, और यहाँ पर अंकल बिल्कुल डिफरेंट है इस ग्रुप में, तो इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है बच्चों नंबर 3 एक्सरसाइज। इसमें देखेंगे अभी हमें क्या करना है। नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली विद द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए यहाँ पर अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और जितने ऑप्शंस हैं उतने हमें सेंटेंसेस दिए गए हैं। एक एक सेंटेंस में एक एक ऑप्शन को देखकर फिल करना है। तो जरा पहले नंबर 1 को देखेंगे, सीडलिंग्स ग्रो इनटू फुली ग्रोन। सीडलिंग बोलते हैं स्मॉल प्लांट, जो छोटा प्लांट होता है जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में। नंबर 2, ए बर्ड एग हैचेज इनटू ए स्मॉल नेस्लिंग। अब नेस्लिंग किसको कहते हैं, मैंने भी आपको ऊपर भी बताया, स्मॉल बेबी बर्ड को, है ना। तो जब एक बर्ड एग देती है तो उसमें से जो निकलने वाली चीज़ होती है वो क्या होती है, स्मॉल बेबी बर्ड। सबसे जो उसमें से निकलता है वो चूज़ा बोलते हैं बच्चों उसको, छोटा जो बच्चा होता है उसको चूज़ा बोलते हैं। तो जो बर्ड एग को हैच करती है उसमें से स्मॉल बेबी बर्ड निकलता है उसको बोलते हैं नेस्लिंग, ठीक है। नंबर 3, व्हेन वी आर बॉर्न वी आर, जब हम पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं, वी आर, तो हम क्या होते हैं, बेबीज, छोटे से बच्चे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। नंबर 4 है चिल्ड्रन ग्रो अप एंड बिकम, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं एंड बिकम, तो क्या बन जाते हैं, वो एडल्ट बन जाते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 बताई। अब जरा नेक्स्ट वाले चैप्टर पे चलेंगे, चैप्टर नंबर 5। इसमें देखते हैं बच्चों क्या चीज़ बुक वर्क में पूछ रहे हैं। ये एक्सरसाइज पर चलिए इसमें जरा, लंग्स हेल्प इन अस। लंग्स किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं, लंग्स हेल्प करते हैं ब्रीथिंग में, ठीक है। क्योंकि टॉकिंग में हेल्प नहीं करते लंग्स, ईटिंग में हेल्प नहीं करते हैं, लंग्स हमारा सांस लेने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नंबर 2, विच इज़ नॉट एन इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन होते हैं बच्चों जो कि हमें दिखलाई नहीं देते हैं, है ना। तो
नोज नंबर वन, ब्रेन और स्टमक। देखिए ब्रेन को नहीं हम देख सकते हैं, स्टमक को नहीं हम देख सकते हैं और नोज को हम देख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर नॉट पूछा है, अगर यहाँ पर पूछा तो विच इज़ एन इंटरनल ऑर्गन, तब हम यहाँ पर ब्रेन और स्टमक को टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अपोजिट कर दिया, यहाँ पर नॉट वर्ड दे दिया, तो नॉट से यहाँ पर इसलिए नोज आ गया, ठीक है। और नंबर थ्री वाला है, आफ्टर वी स्वेलो अवर फूड, जब हम अपने भोजन को निगल लेते हैं, स्वेलो बोलते हैं निगलने को, खा लेते हैं, इट गोज़ टू अवर, तो वो कहाँ चला जाता है, ब्रेन में, स्टमक में या लंग्स में, बताइए कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है ना जो भी हम भोजन खाते हैं, तो यहाँ पर हो गया आपका बी वाला ऑप्शन स्टमक। नंबर फोर है, अवर बॉडी इज ए डैश मशीन, हमारी बॉडी कैसी मशीन है, लिविंग मशीन, नॉन लिविंग मशीन या वर्किंग। देखो जो हमारी बॉडी है वो हमेशा काम करती रहती है ना, तो इसमें लिविंग आएगा, नॉन लिविंग आएगा, वर्किंग इसमें आ जाएगा लिविंग, क्योंकि वो हमेशा जीवित रहने वाली मशीन होती है। अब नंबर फाइव देखते हैं बच्चों, व्हाट शुड यू लर्न फ्रॉम बोन्स एंड मसल्स, आप बोन्स से और मसल्स से क्या सीखते हो, है ना, बोन्स होती हैं हड्डियाँ और मसल्स होते हैं मांसपेशियाँ, तो क्या सीखते हो, वी शुड वर्क टुगेदर, हमें एक साथ वर्क करना चाहिए, या वी शुड फाइट विद वन अनदर, या हमें उन दोनों के साथ लड़ना चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें एक साथ वर्क करना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर ए वाले को टिक कर दिया। अब बच्चों जरा नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज पर आएंगे, एक्सरसाइज नंबर बी पर देखते हैं जरा इसमें क्या बताना है, सर्किल द ऑड वन इन ईच ग्रुप। देखिए अब यहाँ पर भी दो ग्रुप दिए गए हैं, पहला ग्रुप है हैंड, हार्ट, ब्रेन या लंग्स। आप देखिए जो ये हैंड है ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, क्योंकि ये इसको हम देख सकते हैं, जबकि हार्ट को हम देख नहीं सकते हैं, ब्रेन को हम देख नहीं सकते हैं और लंग्स को हम देख नहीं सकते हैं, ये तीनों इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पर हैंड को सर्किल कर दिया। नेक्स्ट है नंबर टू, हैंड, स्टमक, एल्बो और हेड। अब आप देखिए यहाँ पर हैंड को हम देख सकते हैं, एल्बो जो होती है कोहनी इसको भी हम देख सकते हैं और हेड इसको भी हम देख सकते हैं, ये तीनों हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जबकि स्टमक को हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए ये इंटरनल ऑर्गन है, ये यहाँ पर डिफरेंट है तीनों से, हमने इसको सर्किल कर दिया। ओके तो अब यहाँ पर बच्चों ये वाली एक्सरसाइज बी भी हो गई है, अब जरा सी में देखेंगे, सी में क्या करना है, देखिए सी में कंप्लीट द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द गिवन पिक्चर्स क्यूज। देखिए यहाँ पर पिक्चर दी गई हैं, पहली पिक्चर है नंबर वन पे और एक नंबर टू पे यहाँ पे पिक्चर दी गई है। देखिए नंबर वन पे किस चीज़ की पिक्चर है, ब्रेन की, आप देख रहे हैं ये खोपड़ी स्कल दिखाया हुआ है, तो यहाँ पर बी से स्टार्ट हुआ है, आपको थोड़ा सा हिंट भी मिला हुआ है, बी आर ए आई एन ब्रेन। दूसरी आप देख रहे हैं पिक्चर हर्ट की है ना, हर्ट बन रहा है ना, तो यहाँ पर एच वर्ड आपको थोड़ा सा हिंट के लिए दिया गया है, एच ई ए आर टी हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से बच्चों फोर और फाइव एक्सरसाइजेस हमने बुक वर्क की चैप्टर की, तो आपको ध्यान से पढ़ने हैं बच्चों और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी होना है। चैप्टर फोर से लेकर एट तक आपकी बुक वर्क आएंगी और ऐसे ही आपका कॉपी वर्क आएगा, कॉपी वर्क का रिवीजन बच्चों भेज दिया जाएगा और बुक वर्क का भी आपको तैयार करना है। ओके बच्चों, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।